दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जो महज एक कुंड है और इसमें नहाने से आपका टूटा हुआ हाथ भी वापस आ जाता है और इस कुंड का 3 बूंद पानी पीने से आपकी पूरी प्यास मिट जाएगी और ये कुंड ऐसा भी संकेत देता है कि हमारी पृथ्वी पर गंभीर आपत्ति आने वाली है। तो दोस्तों इस कुंड को भीम कुंड के नाम से जाना जाता है। यह भीम कुंड मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से करीब 75 किलोमीटर दूर स्थित बाजना गांव में मौजूद है। इस कुंड को देखने और इसमें नहाने के लिए बहुत से लोग दूर दूर से आते हैं। किस्सों कहानियों में बताया जाता है कि इस कुंड का संबंध महाभारत काल से भी है, जिससे इसका महत्व और बढ़ जाता है। भीम कुंड की खासियत यह है कि इसका पानी बेहद साफ और निर्मल है, जहां लाखों की संख्या में मछलियां ऊपर तैरती हुई दिखाई देती है। जब भी कोई आस्थावान व्यक्ति इस कुंड में स्नान करने के लिए आता है तो न तो मछलियां पानी के अंदर जाती है और न ही उन्हें किसी प्रकार का डर होता है, क्योंकि उस व्यक्ति से इतनी सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। भीम कुंड की गहराई नापने के लिए कई वैज्ञानिकों ने दिन रात एक कर दिए, लेकिन आज तक कोई भी वैज्ञानिक और संस्था यह पता नहीं कर पाई कि आखिर भीम कुंड की गहराई कितनी है और आखिर कैसे एक छोटे से कुंड के अंदर समुन्दर जैसी स्थितियां पैदा होती है। आखिर इस कुंड का महाभारत में क्या महत्व था, चलिए इस बारे में आपको थोड़ा बताते हैं। दरअसल ऐसा माना जाता है कि पांडव जब अज्ञातवास में रह रहे थे तब उन्होंने अपना कुछ समय भीम कुंड के आसपास गुजारा था। कहते हैं कि कई दिनों तक घूमते घूमते द्रौपदी को जब प्यास लगी तो पांडवों ने इधर उधर पानी की तलाश की, लेकिन आखिरकार जब उन्हें कहीं पर भी पानी नहीं मिला तो भीम ने अपनी गदा से एक चट्टान में जोरदार प्रहार किया और उसके नीचे से एक बड़ा सा जलाशय निकला। मगर उस जलाशय के अंदर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था और इसलिए अर्जुन ने अपने बाणों का प्रयोग करते हुए वहां एक रास्ता बनाया और इस तरह न सिर्फ द्रौपदी ने बल्कि 5 पांडवों ने भी अपनी प्यास बुझाई। और यह कुंड भीम द्वारा बनाया गया था, इसलिए इसे भीम कुंड कहा जाता है। भीम कुंड 40 से 80 मीटर चौड़ा है और यह कुंड देखने में बिल्कुल एक गदा के जैसा दिखाई देता है। भीम कुंड के चारों तरफ आज भी कुछ निर्माण कार्य दिखाई देते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि पांडवों ने भीम कुंड के अंदर लगभग 1 वर्ष तक का समय बिताया था और शायद कुछ समय के लिए यहां तपस्या भी की थी। ऐसा कहा जाता है कि जब भी किसी तरह की कोई प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी आने वाली होती है तो इस कुंड के जल का स्तर अपने आप बढ़ने लगता है और यहाँ के लोग इस संकेत को देखकर समझ जाते हैं कि जल्द ही कहीं ना कहीं प्रकृति का प्रकोप बरसने वाला है। साल 2004 में सुनामी आने से पहले भी इस कुंड में अचानक कुछ हलचल पैदा होनी शुरू हो गई थी, जब इस कुंड से पानी की लहरें 15 से 20 फीट ऊंचाई तक अचानक उछलने लगी। इसी घटना के बाद से भीम कुंड के दर्शन करने वाले लोगों की संख्या काफी बढ़ने लगी। कुछ दिनों बाद देश विदेश की मीडिया और दुनिया भर के वैज्ञानिक भी यहां पहुंच गए, जिसके बाद भीम कुंड पर शोध शुरू किए गए कि आखिर कैसे इस कुंड में समुन्दर की तरह हलचल हो रही है। हैरानी की बात तो यह है कि वैज्ञानिक कई दिनों तक इस कुंड की गहराई को नापने की कोशिश करते रहे और कई गोताखोरों ने कुंड के अंदर झांक कर देखा। लगभग 22 फीट पानी के अंदर जाने के बाद वो लोग आगे नहीं जा पाए, जैसे कोई ताकत उन्हें आगे जाने से रोक रही हो। वैज्ञानिकों का कहना था कि इसकी गहराई नापना संभव नहीं है। इसके अलावा यहाँ गहराई में कई क्विंटल वजन की मछलियां मौजूद है और अंदर पानी का बहाव भी बहुत तेज है और साथ ही नीलम पत्थर के जैसी एक बड़ी चट्टान भी है। वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में आगे बताया कि जो मछलियां इस कुंड के अंदर मौजूद है ठीक वैसे ही मछलियां समुन्दर की गहराई में पाई जाती है, तो कहीं ना कहीं इस कुंड का संबंध समुन्दर से मिलता जुलता है। कुछ समय बाद जब नेपाल और जापान में भूकंप आया तब भी इस कुंड का जलस्तर अचानक से बढ़ने लगा था, जिससे यह कंफर्म हो गया कि प्राकृतिक आपदाओं से इस कुंड का कोई ना कोई तो संबंध जरूर है। इस कुंड के पास में एक गुफा भी बनी हुई है जिसमें शंकर जी का शिवलिंग विराजमान है। यहाँ पर आने वाले लोग इन्हीं की पूजा करते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं, इसलिए लोग इस कुंड का जल बोतल में भरकर ले जाते हैं, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि इस कुंड का पानी गंगा जल के समान पवित्र है। ऐसा कई सालों में देखा गया है कि गंगा के जल की तरह ही भीम कुंड के जल में भी कभी कीड़े नहीं पड़ते। ये एक अनंत स्रोत की तरह है जिसका पानी कितना भी उपयोग में ले लिया जाए लेकिन इसका स्तर कम नहीं होता। एक बार तो राज्य सरकार ने इस कुंड को खाली करने के लिए यहाँ वोटर पंप लगवाकर कई दिनों तक इसका पानी बाहर निकलवाया था, लेकिन इसके बावजूद भी भीम कुंड के जल स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो जितना पहले था हजारों लीटर पानी निकालने के बाद भी उतना ही रहा, इसलिए लोग इसका प्रयोग पीने के लिए करते हैं। इस कुंड के अद्भुत जल के विषय में एक और चीज कही जाती है कि चाहे पीने वाले व्यक्ति को कितनी भी प्यास लगी हो
अगर इस कुंड का मात्र 3 बूंद जल भी उसने ग्रहण कर लिया तो इंसान की पूरी प्यास बुझ सकती है। इस कुंड से जुड़ी हुई एक और हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें डूबने वाले व्यक्ति का मृत शरीर कभी नहीं मिल पाता। आमतौर पर जब भी कोई व्यक्ति पानी में डूब जाता है तो कुछ वक्त के बाद उसका शरीर फूलकर पानी की सतह पर तैरने लगता है, लेकिन इस कुंड में आज तक जो भी डूबा है उसका शरीर कभी भी बाहर नहीं आया है। लोगों का मानना है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस कुंड में कोई तल नहीं है, और यही कारण है कि इसमें डूबने वाला व्यक्ति सदा के लिए अदृश्य हो जाता है। जैसे कि इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भीम कुंड एक गुफा के अंदर बना हुआ है, और यहाँ तक जाने के लिए गुफा में सीढ़ियां बनी हुई है। इस कुंड के अंदर पानी में जब सूर्य की किरणें पड़ती है तब पानी में इंद्रधनुष बनते हैं और वो दृश्य बेहद मनोरम होता है। वैज्ञानिकों ने जब इस कुंड की गहराई नापने का प्रयास किया तो उन्हें कुंड के भीतर 2 बड़े कुएं जैसे मिले, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कुंड के भीतर एक और बड़ा सा कुंड है। उनका मानना है कि इनमें से एक कुएं से जल आता है और दूसरे कुएं की मदद से बाहर निकल जाता है। हालांकि इस कुंड के नजदीक मौजूद लोगों का मानना है कि कुंड का भीतरी संबंध समुन्दर के साथ है, जहां से बहुत तेज लहरों के साथ पानी आता जाता रहता है। इस कुंड के पानी का स्रोत क्या है, इसकी गहराई कितनी है, और वह कौन सी अदृश्य शक्ति है जो गोताखोरों को भी यहां नीचे जाने से रोकती है, ऐसे कई सवाल हैं, मगर इनका जवाब किसी के पास नहीं है। बस इतना ही नहीं, बल्कि इसी की तरह भारत में और भी काफी सारे कुंड हैं जो इससे भी कई गुना रहस्यमयी है।